भारतीय सेना वैसे विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है और आज के समय में किसी भी परिस्थिति का माकूल जवाब देने की क्षमता रखती है। लेकिन फिर भी भारत की 15 लाख मजबूत और सशस्त्र भारतीय सेना के जवानों को पूर्णतः सक्षम होने के लिए लगभग 2 साल का समय और लगेगा। पिछले 10 माह के दौरान हुए 23,700 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों के तहत ये ताकत अगले 2 साल में आएगी। रूस और इसराइल के साथ जो रक्षा सौदे हुए हैं उनमें सेना को रूस और इसराइल की तरफ से साल 2019 की पहली तिमाही में रॉकेट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अन्य कई महत्वपूर्ण और उच्च गुणवत्ता वाले हथियार मिलेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स प्रभावी तरीके से काम नहीं कर सकती। भारतीय सेना पाकिस्तान के साथ 778 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ कंट्रोल और चीन के साथ 4057 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ एक्चुअल पर हर वक्त सतर्कता के साथ तैनात है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2013 से सेना में हथियारों की गुणवत्ता और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कोई ठोस बदलाव नहीं लाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सघन टकराव की स्थिति पैदा हो जाए तो भारतीय सेना के पास 10 दिन के लिए भी गोला बारूद नहीं है। भारतीय वायुसेना को 2019 से 2022 के बीच फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान मिलेंगे। जिसके लिए गत वर्ष सितंबर में समझौता किया गया था। वहीं मार्च से जुलाई 2019 में 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका से मिलेंगे। इसके लिए 22,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। इसके अलावा 145 M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर विमान भी मार्च 2019 से जून 2021 तक भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे, जो एलएसी जैसे इलाकों में ऊंचाई पर भी आराम से उड़ान भरने में सक्षम है। टीम इंडिया।